सोलन में राष्ट्रीय कैडेट एंड जूनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2018 का आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर के 24 राज्यों के करीबन 1200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में आए खिलाड़ी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खेल से जहां खिलाड़ियों का शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं आत्मरक्षा की तकनीक का ज्ञान होता है, वहीं खिलाड़ियों का मानसिक विकास भी होता है। इसलिए ये खेल युवाओं में काफी प्रचलित हो रहा है। बाको इंडिया किंग बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रधान और सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में आयोजित 25 राष्ट्रीय प्रतियोगिता के बाद इस बार हिमाचल को राष्ट्रीय स्तर की किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता करवाने का मौका मिला है। इस प्रतियोगिता में करीबन 1200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इन खेलों में से 30 खिलाड़ियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। इस बार यह प्रतियोगिता इटली में आयोजित होगी। यहाँ से विजेता प्रतिभागियों को इंटरनेशनल मुकाबले में भाग लेने का मौका मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की पावन धरती पर वाको इंडिया कैडेट जूनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन चल रहा है और इसमें करीब विभिन्न राज्यों से 1200 खिलाड़ी और 250 ऑफिशियल शिरकत कर रहे हैं। इसमें जो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं वो काफ़ी उच्च स्तर के हैं और इस प्रतियोगिता में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँचे हुए हैं देश भर से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रतियोगिता हमारी एक सफलतापूर्वक यहाँ पर कल सम्पन्न होगी। और राष्ट्रीय कैडेट्स एवं जूनियर किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश को करवाने का इस बार शुभ अवसर मिला है और 24 राज्यों से इसमें ये सारे खिलाड़ी जो हैं भाग ले रहे हैं। 25 नेशनल प्रतियोगिताएं होने के बाद हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ पहली बार कि हिमाचल प्रदेश इस जो प्रतियोगिता को करवाने के लिए जो सफल आयोजन के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है हम लोग जो हैं पूरा जो यहाँ कोशिश कर रहे हैं और हमारे जो जितने भी